जनाब, तो हम आ गए हैं अपनी लिनक्स की मशीन में। यहाँ हम खोल लेंगे टर्मिनल। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने जब भी कोई इंस्टॉलेशन वाला काम करना है, उससे पहले आपने ये दो कमांड जरूर रन करनी है, सूडो एपीटी गेट या यम, जो भी आपका पैकेज मैनेजर है, अपडेट और अपग्रेड। ठीक है, और अगर इसमें कोई अपडेट्स आए तो आपने अपने सिस्टम को फिर इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट भी कर लेना है। तो अभी हम रीस्टार्ट करके वापस आ चुके हैं, हमारा सिस्टम अपडेट और अपग्रेड हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे वो जो हमने स्लाइड्स में अपनी स्टेप्स में कमांड्स देखी थी वहां से। तो हमने सबसे पहले क्या करना था, हमने इंस्टॉल करने थे कुछ मॉड्यूल्स। तो हमारी वाली लिनक्स में जो कि हम लुबंटू यूज कर रहे हैं, उसमें एपीटी मैनेजर यूज हो रहा होता है पैकेज के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूडो एपीटी गेट इंस्टॉल जीडीबी डैश मल्टी आर नंबर 1। नंबर 2 हमने करना था स्पेस दे के मिनी कॉम, और स्पेस देके तीसरी चीज थी ओपन ओसीडी। आप चाहें तो इनकी अलग अलग कमांड्स भी यूज कर सकते हैं। सूडो एपीटी गेट इंस्टॉल जीडीपी मल्टी आर एंटर करते हैं, जब वो इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप दोबारा से कमांड दें सूडो एपीटी डैश गेट इंस्टॉल मिनी कॉम, एंटर कर दें तो मिनी कॉम इंस्टॉल कर देगा और देन फिर ओपन ओसीडी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इंस्टॉल के बाद जितने पैकेजेस के नाम लिखते चले जाएंगे स्पेस दे के, वो सब के सब यानी कि आपके इंस्टॉल हो जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये जो एक कमांड हमने लिखी है ये इक्विवेलेंट टू 3 अलग अलग कमांड के हैं, जिसमें से पहली कमांड में हम इंस्टॉल के बाद जीडीपी डैश मल्टी आर देते, सेकंड में हम मिनी कॉम देते और थर्ड में हम ओपन ओसीडी देते। तो हमने उन तीनों को एक ही कमांड में यकजा कर दिया। और फिर वही बात कि अगर ऐसे लोग जिनका पैकेज मैनेजर यम है, वो यहाँ पे क्या कमांड देंगे, वो कमांड देंगे सूडो यम इंस्टॉल जीडीपी डैश मल्टी आर स्पेस दे के मिनी कॉम स्पेस दे के ओपन ओसीडी। तो जनाब, ये हमें बता रहा है कि मैं इसके लिए मंदरजा जैल पैकेज इंस्टॉल करूंगा इन तीन को इंस्टॉल करने के लिए, और इसके लिए मुझे 15.9 MB यानी कि 16 MB डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। और जब ये डेटा इंस्टॉल हो गए, मतलब ये तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, तो ये 80.4 MB ऑफ द डिस्क स्पेस जो है वो यूज करेंगे। और ये आप मुझसे पूछा था कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने यस किया। तो अब देखें, इसे इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले तो डाउनलोड करना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, तो अभी ये डाउनलोड कर रहा है रेलेवेंट डिपेंडेंसीज और वो जो तीन मेन सॉफ्टवेयर से जीडीपी मल्टी आर ओपन ओसीडी और मिनी कॉम, और उसके बाद अभी उनको इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद फिर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा, या जो उस कमांड प्रॉम्प्ट का कंट्रोल है ये हमारे पास वापस आ जाएगा।
जी, तो हमारे सामने ये तीनों प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो गए हैं। इसके बाद हम, वैसे तो वो बड़ा लेट उस सफ़र में वो मंजिल वो मुकाम आना है, लेकिन ब्लूटूथ मैनेजमेंट के हवाले से हम जो टूल्स हैं उनको भी अभी इंस्टॉल कर लेंगे। sudo apt get install blues rf kill। तो देखिए ये बता रहा है कि ब्लूज भी ऑलरेडी इंस्टॉल है और rf भी ऑलरेडी इंस्टॉल है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिनक्स में। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो आप यूज कर रहे हैं मे बी उसमें शायद ये इंस्टॉल ना हो, तो एहतियातन कमांड रन कर लेना बेहतर होता है, ताकि अगर इंस्टॉल है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं भी है तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि हमने ओपन ओ सी डी और इसी तरह से जो बाकी दो चीज़ें थी मिनी कॉम और जीडीपी डैश मल्टी आर, उन तीनों को इंस्टॉल किया। उसके बाद आर एफ किल और ब्लूज को इंस्टॉल करने की कोशिश की, बट वो ऑलरेडी इंस्टॉल थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूएसपी की वो डिवाइस कंट्रोलर के हवाले से कुछ फाइल्स, रूल फाइल बनानी है जो कि गवर्न करेंगे जब हम अपने F3 बोर्ड को या यूएसपी टू सीरियल को, जो FTDI वो है मॉड्यूल, उसको कनेक्ट करेंगे। तो उसको गवर्न करने के लिए हमने रूल्स फाइल बनानी है। वो रूल फाइल बनेगी ETC में UDEV में rules.dk फोल्डर में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा विजिट करके देखते हैं कि जनाब वो हमारा ETC में ये जो फोल्डर है ये कहाँ पे वाकया है, इसमें भी कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, cd कमांड होती है चेन डायरेक्टरी /etc/udev/rules.d। तो अभी देखें हमारी डायरेक्टरी चेंज होकर etc में udev में rules.d के अंदर आ गई। यहाँ पे हम ls करते हैं, ls होती है लिस्ट कमांड, लिस्ट की कमांड है जो कि डायरेक्टरी की लिस्टिंग शो करती है। तो अभी इसने हमें क्वेश्चन दिखाया, इसका मतलब इस डायरेक्टरी में फिलहाल कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, हमने यहाँ पे दो फाइल्स बनानी है। उन दो फाइल बनाने का एक तरीका तो ये है कि हम उन फाइल्स को VI एडिटर के थ्रू बनाएं और उसमें फिर हम हाथ से वो सारी कमांड्स लिखें जो कि वहाँ मेंशन की हुई है बुक में, और उसमें अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमें बताना चला तो वो हमारे लिए एक इशू बन सकता है लेटर ऑन, कि जब हम F3 कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। तो उससे बचने के लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो जो कमांड्स हैं इन स्लाइड्स में आपको मतलब प्रोवाइड करनी है, आप सिंपल वहां से कॉपी करें। ठीक है, और यहां लाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, जब आप उनको यहां लाके पेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे, यानी कि आपको टाइप करने की मिस्टेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जनाब हम क्या करेंगे कि हम उन कमांड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्लाइड्स में अवेलेबल है, या आप फायरफॉक्स खोलें और फायरफॉक्स में मुतलका बुक के URL पे चले जाएं जो कि था tinyurl.com/rdisbook। ओके फाइन, मेरे ख्याल में यहाँ एरर आ रहा है, मैं चेक करता हूँ। मेरे ख्याल में नेट डिस्कनेक्टेड है शायद, लेट मी चेक। नहीं बल्कि सॉरी, मैंने आर
डिस्क बुक लिख दिया था गलती से, ये है RDIS डिस्कवरी के लिए और बुक। तो जनाब tinyurl.com/rdiskbook के ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको ओरिजिनल बुक के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, जो कि ऑफिशियल जो इसका बुक का पेज है। तो जनाब ये आ गई हमारे सामने डिस्कवरी की बुक। इसके हम 3.1 लिनक्स इंस्टॉलेशन के सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे आके ये हम रूल्स जो हैं इनको वन बाय वन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पहला रूल कॉपी किया, या इस कॉपी के लिए आप ये बटन भी दबा सकते हैं, और उसके बाद आप रूल्स टी के फोल्डर के अंदर आकर विम करें और फाइल का नाम दे दें जो कि था 99-ftdi.rules। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे 99-ftdi.rules। ठीक है, और चूंकि ये काम हमें privileges के साथ करने हैं, तो हम इससे पहले sudo जरूर लगाएंगे, अदरवाइज इस डायरेक्टरी में हमें राइट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं। अगर हम सूडो के बगैर कमांड चलाएंगे तो ये हमें चलाने नहीं देगा। यहां हम पेस्ट करेंगे, ये देखिए इसने ये वाली लाइंस यहां पर पेस्ट कर दी। उसके बाद एस्केप दबा के कॉलम डब्ल्यू क्यू और एंटर दबा दें तो आप वापस कमांड प्रॉम्प्ट पर वापस आ जाएंगे। अब आप एलएस करेंगे तो देखिए हमारे पास ये 99ftdi.rules की एक फाइल यहाँ पे बन गई। पहले यहाँ पे कोई फाइल नहीं थी जब हमने लास्ट टाइम एलएस किया था। ठीक है, तो इसकी कोई आउटपुट नहीं आई थी। अब देखिए हमने एलएस किया तो यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है 99ftdi.rules। अभी हमने दूसरी फाइल बनानी है, दूसरी फाइल का नाम है 99-openocd.rules और उसके अंदर हमने ये चार लाइंस कॉपी करनी है। ठीक है, इनको हमने कॉपी कर लिया। अब हम जाते हैं वापस अपने फोल्डर में, यहाँ पे हम करते हैं vim 99-openocd.rules और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए चार लाइन्स यहाँ कॉपी हो गई। एस्केप दबा के कॉलन डब्ल्यू टू और ये देखिए एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, देखिए हमने स्विम से पहले सूडो नहीं लगाया था,
ये हमारी टेस्टिंग हो गई कि जब तक हम sudo नहीं लगाएंगे ये हमें यहाँ पे कोई फाइल बनाने नहीं देगा। ठीक है, हम दोबारा से sudo करके जाते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, वही चार लाइंस। अब जब हम escape दबा के colon wq दबाएंगे तो उसने वो फाइल राइट कर दी। ls करके देखेंगे तो हमारे सामने ये फाइल्स राइट भी हो चुकी हैं। और इनको अगर आप एक बार टाइप करवा के देखना चाहें तो उसके लिए cat की कमांड होती है। अगर हम लिखें cat और आगे उस फाइल का नाम दे दें तो ये हमें वो फाइल हमारे सामने डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह हम दूसरी फाइल करके देखते हैं cat, तो ये देखें इस तरह से हमने फाइल्स के अंदर ये एंट्रीज कर दी। ठीक है, ये फाइल्स बनाने के बाद हमारा अगला काम था कि हमने इन रूल्स को अप्लाई करना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए जो कमांड है वो है sudo udev adm। ठीक है, sudo करके ठहरे, मैं क्लियर कर लू, sudo udev adm control। ठीक है, और उसके बाद है माइनस माइनस रीलोड रूल्स। तो अब हमारे पास ये जो रूल्स हैं ये रीलोड हो गए होंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि STM32 को वो जो मिडल वाली पोर्ट है जो कि ST लिंक की है, जिस पे लिखा हुआ है USB ST लिंक, जो कि भी हमने आपको स्लाइड वाली वीडियो में अच्छे खासे डिटेल से दिखाई थी, आपने उस पे USB की केबल कनेक्ट करनी है। फिर उस तो दूसरा एंड अपने कंप्यूटर लैपटॉप डिवाइस से कनेक्ट करना है। अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसको अनप्लग करके दोबारा प्लग कर दें और देखें आपके पास जिस तरह से स्लाइड में एग्जांपल सी भी थी उस तरह से बोर्ड अपीयर होता है कि नहीं होता। ये वाला जो सेक्शन ऑफ द वीडियो है इसको हम अब वो देखेंगे अपनी अगली वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, आप अपने पास वो जो स्लाइड में जिस तरह से पिछली वीडियो में इसके जो इस लेक्चर की पार्ट वन वाली वीडियो है उसके अंदर हमने डिटेल से वो सारे स्टेप बयान किए हुए हैं और वो सारी कमांड्स बताई हुई हैं जिनको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये काम आपका एज ए होमवर्क है, ये आपने खुद परफॉर्म करना है। हम उसी स्टेप से अब अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह कुछ क्वेश्चंस आए ना कि मैंने आपको बताया कि आपने आपको घबराना नहीं है, अगर आपकी किसी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती तो होपफुली आपने गड़बड़ कहाँ की होगी, आपने 99 वाले जो रूल्स हैं या तो इनमें कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी या फिर आपने वो जो UDEV ADM वाली कमांड है वो सही तरह एक्सिक्यूट नहीं होगी। तो आप एक बार उसको रिस्टार्ट कर लें, रिस्टार्ट करें बोर्ड को, डिस्कनेक्ट करें, दोबारा से कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर के साथ और फिर देखें वो सारी कमांड्स चलाकर। ठीक है, नहीं होती तो आप अगले वीक तक वेट करें, अगले वीक तक आप अच्छी तरह से इससे खेल कूद लें। अगले वीक हम जो लेक्चर का स्टार्ट है वो उन्हीं कमांड्स के साथ करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको डेमो देने के लिए रिकॉर्डिंग के हवाले से अभी हम जो अवेलेबल थे वो थे, मैं आपको डेमो के लिए विंडोज बेस्ड मशीन पे काम कर रहा था। अब जो हमारी चैप्टर नंबर 5 एंड ऑनवर्ड है वो हम अब लिनक्स की जो मेरी मशीन है उसके ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे रहते हुए अपने बाकी के सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले हफ्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।